हेलो गाइस, पैडागोजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम करने वाले हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। हमने पहले पार्ट में किया था इम्पोर्टेंट टर्म जो कोहलबर्ग के रिलेटेड थी वो की थी, और हमने की थी कहानी जो उन्होंने बच्चों को सुनाई थी, और उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछे थे कहानी के रिलेटेड, और जो प्रश्न पूछे थे और जो बच्चों के उत्तर आए थे उसको लेकर इन्होंने अपनी तीन अवस्थाएं बनाई थी। आज हम पार्ट टू में उन्हीं तीन अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अधिकार दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सामाजिक और दूसरा होता है कानूनी अधिकार। जब बच्चा जन्म लेता है ना ही उसके पास सामाजिक अधिकार होता है ना ही उसके पास कानूनी अधिकार, मतलब उसकी जानकारी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है बच्चे के सामाजिक विकास सबसे पहले विकसित होने लगते हैं, क्योंकि बच्चा समाज में रहने लगता है, और जैसे जैसे बड़ा होगा बाहर जाएगा स्कूल कॉलेज जाएगा तब बच्चे के कानूनी अधिकार भी विकसित होने लग जाएंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी अवस्था में चर्चा की है कि कानूनी अधिकार कब आते हैं और सामाजिक अधिकार कब आते हैं, तो जान लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अवस्था के बारे में। जब कोहलबर्ग ने प्रश्न पूछे बच्चों से, उसके बाद उन्होंने पाया कि बच्चों का जो नैतिक विकास है वो तीन अवस्था में विकसित होता है। तीन अवस्था में उन्होंने दो दो चरणों का जिक्र किया है, मतलब एक अवस्था में दो चरण का जिक्र किया है, और छह चरण हैं तीन अवस्था हैं। पहली अवस्था जान लेते हैं, रूढ़िपूर्व अवस्था। इसमें बच्चे के नैतिक विकास सजा और उपहार पर निर्धारित होते हैं। जैसे बच्चा मॉर्निंग में स्कूल जाता है अपनी मम्मी के साथ, और बच्चे का जो फ्रेंड है वो भी उनके साथ जाता है और उनकी माता भी उनके साथ जाती है। बच्चा अपने फ्रेंड की माता को नमस्ते नहीं कहता है, उसकी माँ नोट करती है कि वो नमस्ते नहीं कह रहा है मेरे साथ वाली को, तो घर पे आके मम्मी बच्चे को कहती है कि कल तुमने उनको नमस्ते करनी है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी। बच्चा सजा से बचने के लिए आंटी को नमस्ते करता है, और वो सजा से बच जाता है। मतलब जो उसके नैतिक विकास है जहाँ सही और गलत है वो सजा पे डिपेंड करते हैं। अगर सजा से बच गया वो तो उसके लिए ठीक है। ठीक है, पहली चरण मेरा यही था कि बाहरी सत्ता पर आधारित है, अगर सजा मिलेगी माता उसे सजा देगी तो उससे बचने के लिए वो उनकी बात मानेगा। ठीक है, अगर इनाम मिलेगा तो इनाम को लेने के लिए वो काम करेगा जो कहेंगे हम। ठीक है, अगर मैं बच्चे को कहूँगा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा मेरा बाजार पे ये काम करके आ जा, तो वो काम करेगा क्योंकि वो चॉकलेट लेना चाहता है। सही उसके लिए यही है कि मुझे चॉकलेट मिलेगा मैं काम करूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा। ठीक है, आगे हम दूसरा चरण की बात कर लेते हैं, व्यक्ति के अंदर एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। अब इसमें क्या होता है, अदला बदली वाला चरण हम इसको कह देते हैं, टिट फॉर टैट, कि तू मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं भी तेरे साथ अच्छा करूंगा। अगर मान लो दो बच्चे बैठे हैं, उनका टेस्ट हो रहा है, ठीक है, हिंदी का टेस्ट हो रहा है, तो एक बच्चे ने प्रश्न उससे पूछा, दूसरे ने कहा तू मुझे इसका प्रश्न का उत्तर बता दे, मैं इसका प्रश्न का उत्तर तुम्हें बता दूंगा, मतलब अदला बदली वाली, तू मुझे करा दे मैं तुझे टेस्ट करा दूंगा। ठीक है, जब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक लड़का है अजय और एक लड़का है सौरव। अजय के पास पिचकारी होती है, सौरव उसे कहता है कि मुझे भी पिचकारी से खेलना है, मुझे अपनी पिचकारी थोड़ी देर के लिए दे दे, लेकिन अजय मना कर देता है पिचकारी देने से। सौरव क्या करता है, अगले दिन ले आता है साइकिल। अजय साइकिल देखकर उसे कहता है कि मेरे पास पिचकारी है, पिचकारी ले ले, अपना साइकिल मुझे दे दे, मतलब अदला बदली वाला चरण है जी।
अगर तू मुझे अपनी चीज़ देगा तभी मैं तुझे अपनी चीज़ दूंगा, अगर तू मेरे साथ अच्छा करेगा तभी मैं तेरे साथ अच्छा करूंगा, अगर तू मुझे टेस्ट कराएगा तभी मैं तुझे टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों चरण अच्छे से समझ लगे होंगे। हम इसके बाद दूसरी अवस्था कर लेते हैं जो है रूढ़ी गति चिंतन संपादिक करें। इसमें क्या होता है, अब बच्चा सामाजिक जो अधिकार होते हैं बच्चे के वो पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, उसको समाज में कैसे रहना है वो पता लगने लग जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं पिछली अवस्था की, अब जो प्रश्न पूछे गए थे कोहलबर्ग ने बच्चों से प्रश्न पूछे थे, कोई बच्चा इस अवस्था में होगा तो वो कहेगा कि जो हैंज ने दवाई निकाली चोरी की है वो गलत किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। उसको तो बस यही सिखाया गया है कि अगर तुम चोरी करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, क्योंकि इसमें उसको सामाजिक अधिकार और उसको कानूनी अधिकार नहीं पता है। अब दूसरी में क्या है रूढ़िगत चिंतन संपादिक में, कि समाज की बात करेगा कि समाज में रहना है समाज के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसमें सामाजिक जो अधिकार है वो विकसित होने लग जाता है। इसका पहला चरण है अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो सब जगह अच्छा ही दिखना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो सबके सामने अच्छा बनने का मतलब यत्न करते हैं कि हर कोई उसे अच्छा ही कहे। अब जो नमस्ते सजा से बचने के लिए बच्चा कर रहा था, अब वो अपने आप करेगा कि मुझे समाज में अच्छा कहें कि ये अच्छा है, बड़ों का आदर करेगा, उनकी बात मानेगा, अब चॉकलेट नहीं मांगेगा, अगर मैं उसको कहूँगा सामान लेकर आ मेरे लिए बाहर से तो अपने आप लेकर आएगा क्योंकि उसने अच्छा बना है मेरे सामने, ठीक है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अच्छा बनने का यत्न करता है कि समाज वाले मुझे अच्छा कहें कि वो बहुत अच्छा है। इसके बाद है चौथा चरण सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। इसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी के रूल होते हैं नियम होते हैं बच्चा उसको बरकरार रखने की बात करता है, बच्चा कहता है कि जो सामाजिक रूल है उसको तोड़ नहीं सकते, जैसे हैं उसको वैसे ही रहने दें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश कानून न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती हैं। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए, कि बच्चा कहता है कि कानून के जो दायरे बने हैं जो समाज के दायरे बने हैं उसी में रहें, रूल तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब इस अवस्था में बच्चे के कानूनी जो अधिकार हैं वो भी विकसित होने लगते हैं, कानून की उसको समझ आने लगती है क्या सही है क्या गलत है। अब आ जाते हैं लास्ट वाली अवस्था में जो है रूढ़ी से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन संपादित करें। बच्चे को कानूनी अधिकारों का पता चल जाता है पर वह इंसानियत को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब इसमें क्या है, सामाजिक और कानूनी अधिकार दोनों विकसित हो जाते हैं, लेकिन बच्चा कहता है सामाजिक और जो कानूनी अधिकार है वो तो हैं लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है। जैसे हैंज वाली कहानी है, अब उसकी वाइफ मरने वाली होती है लेकिन जो केमिस्ट वाला है वो उसको मेडिसिन नहीं देता है, तो उसने चोरी कर ली, तो बच्चे कहेंगे इस अवस्था में कि अगर चोरी कर ली तो कौन सा पाप कर लिया, उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए चोरी की है, इंसानियत को बचाने के लिए ही तो चोरी की है, हम अपने पैसे कमाते क्यों हैं, अपनी जान की रक्षा करने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को बचाने के लिए, तो ऐसे पैसे किस काम के अगर उसकी वाइफ ही ना बच सके। तो इस स्टेज में कहते हैं कि हैंज ने जो किया बिल्कुल सही किया और उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके चरण देख लेते हैं, पहला है सामाजिक अनुबंधन उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। इसमें बच्चा कहता है कि अगर समाज और कानून के जो नियम हैं वो इंसान के लिए सही नहीं है तो उसको तोड़ देने चाहिए। जहाँ पे नियम तोड़ने की बात करेगा
जैसे हैंज ने अब चोरी कर ली तो वो नियम तोड़े हैं। किस लिए तोड़े हैं? इंसान को बचाने के लिए, अपनी वाइफ को बचाने के लिए। तो वो रूल तोड़ सकता है। अगर जो नियम है वो इंसान के लिए सही नहीं है तो उसको चेंज करो, वो बात करेगा बच्चा, ठीक है। लास्ट वाली मेरा चरण है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। इस चरण में कई कई लोग ही पहुंच पाते हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह, मदर टेरेसा, जो महान लोग होते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, अपना नहीं सोचा, देश का सोचा या किसी और लोगों का सोचा, ठीक है। या हमारे राजीव दीक्षित जी भी हम कह सकते हैं, ठीक है, जो अपनी परवाह नहीं करते, लोगों का सोचते हैं, लोगों का भला करते हैं, ठीक है। ये उनके लिए स्टेज है, छठी अवस्था है, जिसमें कोई कोई लोग ही पहुँचता है। मुझे उम्मीद है आपको कोहलबर्ग के सिद्धांत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ भी ना समझ लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।